अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 36 में क्या पढ़ेंगे हम, क्वांटिटी सर्विंग एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में आज हम पढ़ेंगे प्रोवाइडिंग मतलब लाना एंड लेंग और लगाना इंस्टॉलेशन ऑफ फोर्सिलिन टाइल लोकल मेक मास्टर आर्सोनिक्स। तो ये कहते हैं कि फोर्सिलिन टाइल लगाना है, ये मास्टर को, मास्टर का हो या सोनेक्स का, ग्लेज हो या नॉन ग्लेज हो, ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है आपकी ब्यू क्यू में अप टू 4 स्क्वायर फुट, मतलब इसका एक टाइल का एरिया 4 स्क्वायर फुट हो, या हम इसे भी कह सकते हैं 2x2 टाइल हो, ठीक है, ऑन फ्लोर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ अंडर लेयर 1/4 सीमेंट सैंड मोटर, इसमें कॉस्ट शामिल हो एक चार सीमेंट सैंड का एंड सीमेंट स्लरी और स्पेसिफाइड थिकनेस, कटिंग है इसमें, जॉइंटिंग है, ग्राउटिंग है, मतलब इसके जो जॉइंट्स है वो फिल करना विद मैचिंग कलर फिलर, ठीक है। सो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट एज पर ड्राइंग पैटर्न एंड स्पेसिफिकेशन एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर। तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ उर्दू में कि ये इसका मतलब है कि आपने 2x2 टाइल लगाना है मास्टर का, चाहे वो ग्लेज हो या नॉन ग्लेज हो, और वो लाना भी है मार्केट से और फिर लगाना भी है, इसमें ये सब कुछ की कटिंग शामिल है, और जो ग्रूव है वो आपने ग्राउट से मैचिंग कलर का फिल करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक्सेल शीट में चला जाता हूँ। अच्छा, ये टाइल फ्लोर एनालिसिस है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन, अच्छा सीरियल नंबर 1 हमने सेलेक्ट किया है मास्टर टाइल, इसको थोड़ा सा बढ़ाए, ठीक है, मास्टर टाइल है, कौन सा है, 2x2 है, ठीक है। को थोड़ा और सा भी जूम करें ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। यूनिट क्या है इसकी, स्क्वायर फीट है, ये स्क्वायर मीटर में हमें टाइल मिलते हैं लेकिन हम स्क्वायर फीट में इधर आपको बताएंगे, चलो कोई इशू नहीं है। स्क्वायर मीटर क्वांटिटी कितनी है, रेट कितना है, अमाउंट कितना बनेगा, ठीक है। क्वांटिटी है 300 स्क्वायर मीटर, रेट कितना है एक स्क्वायर मीटर का, फॉर एग्जांपल 1700 रुपये, टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, 1700 मल्टीप्लाई 300, 5,10,000, ठीक है। ये हो गया मटेरियल कॉस्ट। अब मैं इसको लिखता हूँ प्रोवाइडिंग ऑफ मास्टर टाइल। अब जो इसके बाद मैंने करना है सर, वो मैंने इसका लेबर कॉस्ट जो है वो मालूम करना है। नंबर 2 फिक्सिंग ऑफ, ये कंट्रोल डी करें, F2 प्रोवाइडिंग के बजाय फिक्सिंग लिख ले, ठीक है। ये स्क्वायर फुट में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। सो 300 क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर मीटर में कितना फीट होता है, 10.76, ठीक है। और फिर ये जहाँ रेट आएगा वो हम अभी निकालते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम रेशो यूज़ करते हैं, 1:4, ठीक है। 1:4 में 1 सीमेंट है, 2 रे, क्वांटिटी कितनी है, 3228 स्क्वायर फुट है, 3228 स्क्वायर फुट, रेशो है, ठीक है। अब इसको मैंने ड्राई में कन्वर्ट करना है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर में किस तरह फाइंड आउट करूंगा, इक्वल करें 3228 मल्टीप्लाई 1.27, ठीक है। कंक्रीट के लिए 1.54 है,
और मोटर के लिए 1.27 है। ठीक है, सम ऑफ रेशो मेरे पास क्या निकलता है, ये 1:4 है इक्वल 1 प्लस 4। अच्छा उधर फॉर्मूले लगाए, 1 प्लस 4 इधर कर लेंगे। ठीक है, ये कि अच्छा अब इसके बाद क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालना है और फिर क्वांटिटी ऑफ सेंट और फिर क्वांटिटी ऑफ स्लरी, इसे हम सीमेंट पेस्ट कहते हैं, वो भी निकालना है। तो नंबर एक आपने क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालना है। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कितना है, सो इक्वल करें, रेशो कितनी है 1/5 मल्टीप्लाई, अच्छा इसको ब्रैकेट में बंद करें ताकि कैलकुलेशन में कोई इशू ना हो, इक्वल करें ब्रैकेट स्टार्ट 1/5 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई वेट वॉल्यूम डिवाइड बाय 1.25, ये बैग्स में आ गया। ठीक है, सेंड इक्वल स्टार्ट 4/5 मल्टीप्लाई मोटर और डिवाइड नहीं करना है, बस क्यूबिक फीट है। ठीक है, फिर क्वांटिटी ऑफ स्लरी, सो जितना आपका सीमेंट आ रहा है हम उसका 5% लेते हैं। ठीक है, तो इतना बैग स्लरी के लिए लग जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ बैग में, ये और अब भी ज़्यादा है लेकिन आप एस्टिमेट में इतना ही कंसिडर करें। सो फिक्सिंग रेट क्या है, वो 38 रुपये पर स्क्वायर फुट। ठीक है, ये इतना गया। फिर नंबर थर्ड पे क्या है, सीमेंट वो बैग्स में मिलते हैं और कितना सीमेंट है, 655 बैग्स। अच्छा एक गलती यहाँ पे हुई है कि ये क्वांटिटी इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है, तो ये तो आपने स्क्वायर फीट में ले लिया इक्वल करें, लेकिन आपने इसको मोटर कितना लेना है, तो आपने 1.5 इंच लेनी है या 2 इंच, सो मैंने 2 इंच लेना है, सो 2/12, सो मैं जो इंटर करूँगा ये करेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, ये लिंक है फार्मूले एक दूसरे के साथ, तो आपने ये बहुत एहतियात के साथ करनी है कि आपसे कोई भी वैल्यू ना रह जाए, जिस तरह मेरे अभी ये टेक्निक रह गया था। सो देखा अभी 655 भेज गए मैंने, ये तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी है, तो आप जो ही इंटर करेंगे ना तो ये तब्दील हो जाएगी, देखें 109 बैग्स। ठीक है, सो 538 क्यूबिक फीट है। फिर इसके बाद ये ड्राई में कन्वर्ट हुआ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब ठीक है, अब रेट क्या है, इस पर क्या करें, 550 रेट है, कंट्रोल डी करें, फार्मूला रिपीट हो जाएगा। अब देखें ये दो मल्टीप्लाई, अच्छा 4, 5, 6 कॉस्ट ऑफ सेंड। अच्छा अब यहाँ पे एक काम और करना है, इक्वल ब्रैकेट डाले, ये स्लरी वाला सीमेंट और ये वाला सीमेंट ऐड करके ब्रैकेट बंद करें। सेंड कितना है क्यूबिक फीट में आता है और इसकी क्वांटिटी कितनी है, 546 क्रश क्यूबिक फुट, और इसकी क्वांटिटी कितनी है, सॉरी इसमें क्रश नहीं होता। ठीक है, टाइल फ्लोर में क्रश नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा तक हूँ इसलिए थोड़ा वो स्लो। अच्छा तो इसकी क्या कॉस्ट है, ये वाला कंट्रोल डी। अच्छा लेबर भी हो गया, सीमेंट सैंड प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग भी हो गई, सब कुछ हो गए, तो अब आप इसका टोटल निकालें। ठीक है, ऑटो सम कर ले, तो अब ये आ जाएगा कितना, मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ टोटल अमाउंट, ठीक है, तो ये 7,14,000 है।
नो फिल करें। ठीक है, तो ये आ गया टाइल फ्लोरिंग का रेटिनालिसिस है इसमें। अगर कुछ मिस्टेक या कुछ रह गया है तो आप खुद कर ले, ठीक है, और कुछ ना इतना मुश्किल नहीं होगा। प्रोवाइडिंग हो गई, ये टाइल की मटेरियल कास्ट है, फिर ये फिक्सिंग है, मैंने स्क्वायर फीट में कन्वर्ट किया, फिर ये कास्ट ऑफ सीमेंट आपके सामने किया है निकाला हुआ है, फिर कास्ट ऑफ सैंड है, ठीक है, और कास्ट ऑफ लेबर ये है, ठीक है, 3800 रुपये। सो आप ये टोटल जो 3228 स्क्वायर फुट है ये आपको कितने में मिल जाएगा, ये आपको 7,14,929 रुपये में ये हो जाएगा, ठीक है। सो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको कोई इशू हो तो आप हमारे साथ इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।